आज 15 अगस्त हम लोग 76वें स्वतंत्रता दिवस और 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नौजवानों नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को अगर मोहब्बत न हो जान से तो टकराना हिंदुस्तान से। आज सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पहले जन सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी आज है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, को पहले आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं और अभी देख सकते हैं इसका कैंपस। और यहां पे गाड़ी जो है साइकिल उकल लगाने का है और यहां पे भी जो है बैठने का है, यहां पे देख सकते हैं। और इसको अंदर से दिखाते हैं आपको, यहां पे बहुत बड़ा है ये। इसमें भी जो है ग्रुप डी का इसमें ही किया जाता है। और बाहर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी है, आप लोगों को दिखाते हैं। और आवाज़ का स्वतः इशू हो सकती है और उसकी वजह यह है कि हवा ज़्यादा चल रहा है। तो अभी उसके बाहर से आपको बैनर दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये बैनर है आपका। और यहाँ से हमारे दीपेश जी अब यहाँ पे निःशुल्क, यहाँ पे देख सकते हैं कि निःशुल्क यहाँ पे बैनर पूरा लगा हुआ है उस तरह से, आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अंदर किस तरह से तैयारी हो चुका है, खतरनाक तैयारी हुआ है। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। और आवाज़ का तो काफ़ी यूज़ होगा यहाँ पे, जो ढेर सारी दिक्कत होगा उस चीज़ को आपको सीखा। और उसके बाद आवाज़ का मोबाइल कहाँ देखे देखा है। अच्छा एक होगा तो मैंने और होगा ना। इस जगह पे उपस्थित होने के लिए लाखों शहीद जो कि हमारे देश के लिए आज़ादी के खातिर कुर्बान हो गए थे और अपने माता पिता और अपने परिवार से अलग होकर देश के लिए शहीद हो गए, तो के दिन ही आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और आगे हम बुलाना चाहेंगे राष्ट्रीय गीत लेकर किरण जी और प्रियंका जी, सभी साथ आएंगे और राष्ट्र जान हिंदुस्तान हमारा हब है इसकी शान। और आगे एक राष्ट्रीय गीत लेके प्रस्तुत करेंगे प्रीति जी। एवं बहनों, आज सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे वतन के लोगों के हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आगे एक प्यारा सा गीत लेके आ रहे हैं लाली जी और रूपम जी, साथ में आएंगे दोनों और इनके लिए ताली आप लोग बजाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के सामने एक राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसमें कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। मेरे वतन के लोगों, आज़ादी की कभी सामना होने देंगे, आज़ादी की कभी सामना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है जो एक बूंद लहू की तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। आगे आज 15 अगस्त हम लोग 76वें स्वतंत्रता दिवस और 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज इस आज़ादी के आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन ये आज़ादी
हमको भेंट में या उपहार थी। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितने सैनिक, कितने भाई बहन के अपना जान निछावर किए थे और कितने माता एवं बहनों की मांग का सिंदूर धोना पड़ गया था, तब हमको ये आज़ादी मिली। सबसे पहले उन आज़ादी में बलिदान शहीदों को नमन करता हूँ। हम लोग आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान खुशी से मग्न है कि आज़ादी के पक्ष आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आप लोग का, धन्यवाद शिवशंकर सर को। और फिर अगर मोहब्बत ना हो जान से तो टकराना हिंदुस्तान से। आगे के लिए हम बुलाना चाहेंगे रूपम जी, जो एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मुझे सक्सेस मिशन क्लब के प्रांगण में एक राष्ट्रीय गीत गाने की अवसर प्रदान किया, इसमें जो भी त्रुटि है उसे क्षमा करें। नौजवानों, नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों, नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। हर गली हर मोहल्ले में मेरे वतन के दीवाने बेशुमार बैठे हैं, और जान चली जाए पर इस वतन की शान में कोई आंच नहीं आने देंगे। और जान चली जाए पर इस वतन की शान में कोई आंच। हर नेक काम करने से पहले, हर नेक काम करने से पहले मैं अपनी रब को याद करता हूँ। हर नेक काम करने से पहले मैं अपने रब को याद करता हूँ। आज इस SMC कैंपस में उपस्थित हमारे सारे दोस्तों को ये राधारमन झुककर सलाम। आज हमारा देश 75 बुलाना चाहेंगे राम सिंह जी को, जो कि एक प्यारा सा शौक। आप सभी को आज के इस स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा दिल से नमन। शुभ अवसर पर एक राष्ट्रीय गीत में आप लोगों के बीच देशभक्ति गीत गाने के लिए मैं उत्सुक हुआ हूँ। कहते हैं मैं लाल हूँ भारत का, अपने वतन पे मिट जाऊंगा। मैं लाल हूँ भारत का, अपने वतन पे मिट जाऊंगा। भारत मात यार खाली है, जो है नीचे और सब फोटो शूट करते हैं। आप लोग को लाइब्रेरी भी दिखा दिए हैं और कुछ क्या कुछ है, उसके बाद फिर नीचे। पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है, है प्रीत जहाँ की रेत सदा, है प्रीत जहाँ की रेत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रेत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। को देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन एक बाइक पे 3 लोग हाथों में तिरंगा हुहा करते निकल रहे हैं, क्या इसी के लिए आजादी मिली थी? गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, क्या ऐसे भारत के लिए कल्पना किए थे जहां आज भी जातिवाद, संप्रदाय, भ्रष्टाचार चरम पे जा रहा है? लोग एक तरफ देश की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनमें जाति भावना का हीन भय है। मैं शुक्रगुजार हूँ SMC परिवार का, जिन्होंने सैकड़ों छात्रों को एक साथ उपस्थित होकर अपनी मंजिल को ऊंचा करने के लिए एक अवसर दिया। सोचिए अगर ये SMC परिवार न होता तो इसमें बहुत सारे भाई बहन इंक्लूडिंग मैं भी बुलेट लेके सुबह रोड पे निकल गया होता किसी गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के सामने।
तो ये अच्छी चीज है। दिन भर हम लोग यहाँ ग्रुप डी सचिवालय सीटेट इन सब के तैयारी में बिजी है, अपने राष्ट्र निर्माण में सोच रहे हैं। और जब जब यहाँ देश में अगर भ्रष्टाचार जातिवाद की बात है तो इतनी मेहनत से जब हम लोग किसी ओहदे पे जाएंगे, मेरे साथी जो सीनियर है इस बार बिहार पुलिस सर्जेंट दरोगा बने हैं, जो रेलवे में गए हैं, एसएससी में गए हैं, उस पद पे जाके अपने सत्य और कर्तव्य निष्ठा से जो काम करेंगे वही सच्ची देशभक्ति होगी और वही देश के लिए एक जद्दोजहद करने वाला होगा। जरूरी नहीं है कि भारत का जो 125 करोड़ देशवासी है सीमा पे ही जाके लड़े। अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ईमानदारी से पढ़े, अगर आप किसान हैं तो जो आप धरती का सीना चीर के खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं, वो देशभक्ति है। कोई गरीब किसान मजदूर, कोई रिक्शा चालक, कोई दुकानदार, कोई रात को आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा है, कोई आपके लिए स्वास्थ्य के लिए मेहनत कर रहा है, बहुत सारे सीनियर, मैं धन्यवाद विशेष करके दूंगा श्री शंकर जी का, जो उनको तो चयन हो चुका है, वो एक जॉब में है, फिर भी अपने परिवार के बीच समय न देकर किसी तरह समय निकाल के हम सब जैसे बेरोजगारे के लिए कुछ सोच रहे थे। ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति है। फेसबुक व्हाट्सएप पर तिरंगा लगा दिए और कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, हम देश मना रहे हैं। देशभक्ति दिल में होती है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं माफी चाहूंगा, इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं गांधीवादी के विचारधारा पर चलते हैं। आजादी तो हमें दो तरह से मिल सकती थी, एक अहिंसा और एक अहिंसा, जिसको हम कहते हैं हिंसनात्मक तरीके से। तो इसमें गांधीवादी विचारधारा को क्यों हम लोग चुने, क्योंकि उसमें हिंसा कम थी और अहिंसा में थोड़ा वक्त लगता है आज़ादी होने में। अगर हम यूं ही उस समय घबरा जाते तो काफ़ी हिंसात्मक होता और भारत में मान लेते हैं आज़ादी मिल जाती कुछ क्षणों पहले ही, लेकिन हमारे देश में हमारे नागरिक ही नहीं रह पाते, ऐसा सिचुएशन था। उन वीरों को आज सलाम करें, उन वीरों को जिनकी शहादत से ये अपना भारत स्वतंत्र हुआ। आगे हम बुलाना चाहेंगे विकास जी, जो कि बिहार एसआई के पद पर। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसके लिए देश आजाद हुई है हुए थे, जिसमें टोटल 23 मेंबर शामिल हुए थे। आज सभी साथी उपस्थित नहीं हो पाए हैं और बहुत सारे साथी का कहना था, आज सम्मान समारोह रखा गया था कि 15 अगस्त के दिन ही सभी साथी का सम्मान किया जाएगा, ठीक है, जो एक तरह से घड़ी और फूलमाला के साथ जो सम्मान किया जाता था वो होता, बट कहना हुआ कि आगे अपने कलम का स्थापना दिवस है जो कि 9 सितंबर को है, इसलिए हम लोग सभी लोगों ने फिर बाद में निर्णय लिया गया कि आशा करते हैं कि 9 सितंबर के दिन ही, जो कि स्थापना दिवस भी है और हर्षोल्लास से सभी साथी उस दिन उपस्थित भी होंगे, बहुत सारे जो अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं फिर भी छुट्टी लेके उपस्थित जरूर होंगे, इसलिए उसी दिन सभी साथीगण का सम्मान उसी दिन किया जाएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे उन सभी से। और आगे बस एक लास्ट बच गए हैं, गगन जी हैं जो एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे, आएंगे गगन जी। My name is Gagan Kumar. My name is Gagan Kumar. I am singing a song. Shanti ka unnati. फोटो शूट कार्यक्रम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी और ये स्पेस देखिए कितना बड़ा स्पेस है।
बहुत ही बड़ा स्पेस है और इधर दीपेश कैमरामैन बना हुआ है, पूरा फोटो खींच रहा है दीपेश आज, और दिखाते हैं आप लोग को पूरा उठ के, देखिए पूरा तो फाइनली कार्यक्रम हो गया है खत्म। तो फाइनली गाड़ी के पास आ गए हैं और अभी चलेंगे, बहुत ही मतलब पसीना उसीना चल गया, फेस वेस थोड़ा ख़राब हो गया। तो कार्यक्रम आप लोगों का मतलब अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और SMC क्लब में आपको पढ़ना है तो फिर आइए, हमारे जो है भैया हैं दीपक, उनसे मिलिए, और शिव शंकर जी हैं उनसे भी मिलिए, और आपको जो भी प्रोसेस होगा बता दिया जाएगा। फाइनली आप इस बैच में ज्वाइन करिए, और इसी तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं हर साल, जो है हर साल क्या जो भी वैकेंसी है वहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे निकलते ही हैं हर बार। तो इस बार भी बहुत अच्छे खासे जो है स्टूडेंट लोग निकले हैं, तो आप लोग को भी वो वीडियो आगे मिला भी होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।